गुड मॉर्निंग किड्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ एट योर होम. स्टूडेंट्स, यू नो टुडे इज़ योर जीके पीरियड टर्न. टेक आउट योर जीके बुक फास्ट एंड ओपन पेज नंबर 8. राइट, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 3, बेसिक योगा आसन. राइट स्टूडेंट्स, यू नो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ योगा एंड व्हाट इज योगा. ओके, योगा इज एन एशियंट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज फॉर अ हेल्दी माइंड एंड हेल्दी बॉडी. इट मीन्स योगा एक तरह की एक्सरसाइज है जो हमारी बॉडी को हेल्दी रखती है और हमारे माइंड को भी हेल्दी रखती है. योगा से बहुत बेनिफिट है. अभी एट प्रेजेंट मतलब COVID-19 चल रहा है, सब बहुत डिस्ट्रैक्ट है. मतलब कई लोग डिप्रेशन में आ रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम. और ये योगा इसको क्योर कर सकता है. इट मींस हमारे माइंड को मेडिटेशन की ज़रूरत होती है. हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारा माइंड कूल रहता है, डिस्ट्रक्ट नहीं होता है इधर उधर. इसी तरीके हमारी बॉडी एंड माइंड को दोनों को रिलैक्स रहने के लिए हमें योगा करना चाहिए. राइट, एक्चुअली योगा इज अ संस्कृत वर्ड विच मीन्स यूनियन. राइट, योगा इज वेरी सेफ प्रैक्टिस बिटवीन बॉडी माइंड एंड सोल. मीन्स योगा हमारी बॉडी माइंड और सोल के बीच में बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन रखता है, इसीलिए इसको योगा कहते हैं. राइट, योगा इन्वॉल्व्स ब्रीथिंग टेक्निक्स एंड मेडिटेशन एक्सरसाइज. मैम ने आपको पहले ही बता दिया है, योगा से हम मेडिटेशन और ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं. ओके चिल्ड्रन, यू नो व्हेन डू वी सेलिब्रेट इंटरनेशनल योगा डे एंड व्हाई? यस, वी सेलिब्रेट इंटरनेशनल योगा डे ऑन 21st June. राइट, because we want to spread the benefits and importance of yoga. हम International Yoga Day कब बनाते हैं? 21st June को. और क्यों बनाते हैं? क्योंकि इसकी वजह से हम योगा की importance और उसके जो benefits हैं वो लोगों को बता सकते हैं. Actually योगा से हम physically, mentally, मेंटल स्ट्रेस नहीं होता, इम्प्रूव्ड होता है रेस्पिरेशन सिस्टम में, बेटर फ्लेक्सिबिलिटी होती है बॉडी में, एनर्जी इंक्रीज होती है हमारी बॉडी की. तो इसीलिए योगा करना बहुत ज़रूरी है. एट प्रेजेंट कंडीशन को देख के हो तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. ओके, चलिए अब हम क्वेश्चन आंसर्स करते हैं. लेट्स स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन. हमें योगा आसन के पोस्चर दे रखे हैं. आई थिंक मेरे को ये करवाना नहीं चाहिए, फिर भी मैं करवा रही हूँ. ये आप लोगों को खुद प्रैक्टिस करके इन आसन के नाम बताने चाहिए. राइट, चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये आसन कैसे करना है ये आपको पता. ब्रिंग द लेफ्ट आर्म अराउंड द राइट नी एंड द प्लेस द पाम ऑन द फ्लोर जस्ट लाइक दिस. क्लियर, इस आसन के क्या बेनिफिट्स हैं? इंक्रीज द इलास्टिसिटी ऑफ द स्पाइन. ये जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है उसकी इलास्टिसिटी को इम्प्रूव करती है. क्योर्स कॉन्स्टिपेशन एंड लिवर वीकनेस. हमारी इससे क्या ठीक होता है? कॉन्स्टिपेशन ठीक होती है और लिवर की वीकनेस दूर होती है. राइट, और ये कौन सा आसन होता है हमें इसको ये भी बताना है. और इससे क्या होता है? पेनक्रियाज स्टेमुलेट भी होते हैं और डायबिटिक पेशेंट को भी रिलीफ मिलता है इससे, प्रिवेंट डायबिटीज. राइट, और ये कौन सा आसन है अपन को हेल्प बॉक्स में से देखना है? ये वक्रा आसन है. ठीक है, कौन सा आसन है? वक्रा. राइट, राइट डाउन हेयर, VAKRASANA. राइट, वक्रासन. क्वेश्चन नंबर 2,
कैसे करना, ये देखिए ये आसन की फॉर्म है, कैसे करना है, रेज योर लेग्स ऑफ द फ्लोर एज मच एज यू कैन विदाउट बेंडिंग द नीज। हमने अपनी लेग्स को ऊपर करना है, नीज को बेंड नहीं करना फ्लोर पे लेट के। इससे क्या होता है, बेनिफिट्स बता दूँ, इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्ट्रेंथ, स्ट्रेटन द एंटायर बैक, इम्प्रूव डाइजेस्टिव सिस्टम एंड क्योर कॉन्स्टिपेशन। डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करती है और कॉन्स्टिपेशन को क्योर करती है। स्ट्रेटन्स शोल्डर्स एंड आर्म्स, शोल्डर और आर्म्स को ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। और ये कौन सा आंसर है, कौन सा इसका आसन है ये, यस थोड़ा सा बताइए मुझे। आप लोगों को मैम स्कूल में भी योगा करवाती हैं रितु मैम, तो उसमें बताइए ये कौन सा आसन है। फास्ट अपने हेल्प बॉक्स में से देख के बता दीजिए। सलभा आसन, एस ए एल ए बी एच ए एस ए एन ए, राइट, यस। क्वेश्चन नंबर 3, लिफ्ट द चिन एंड चेस्ट अप एज मच एज पॉसिबल। ऐसे आपको ये आसन करना है। इसके बेनिफिट्स भी, ये भी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के फंक्शन को बहुत अच्छे से करता है, बेली फैट रिड्यूस होता है और ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है आपकी बॉडी में। इसके बेनिफिट्स ये हैं, राइट। और ये कौन सा आसन है, भुजंग आसन, ठीक है, बी एच यू जे ए एन जी ए एस ए एन ए, भुजंग आसन, राइट। 4th, बेंड द बोथ नीज एंड ब्रिंग द थाइस अप टू द चेस्ट। लुक हियर, है ना, राइज योर रेज योर हेड टिल योर चिन टच योर नीज, ठीक है। अपन को नीज को, अपने हेड को भी ऊपर करना है, नीज को टच करना है और अपने लेग्स को फोल्ड करके चेस्ट तक लाना है, राइट। और इससे क्या होता है, बेनिफिट्स, एसिडिटी, इनडाइजेशन एंड कॉन्स्टिपेशन क्योर होता है, बैक मसल्स और बैक पेन क्योर होता है और रिड्यूस बेली फैट रिड्यूस होता है, राइट, ठीक है। और ये कौन सा आसन है, पवन मुक्त आसन, ठीक है, राइट हियर। पवन मुक्त आसन, राइट। अब ये क्विज टाइम वाले क्वेश्चन आंसर्स करें। प्रैक्टिसिंग द योगा आसन रेगुलरली गिव्स अ बॉडी मसाज, गुड मैसेज, सॉरी, टू आर हैंड्स बैक स्पाइन अलोंग विद इंक्रीज इन हाइट। देखिए ऐसे अपन को ये आसन करना है इस पोस्चर में, ठीक है। ये बहुत अच्छा आसन है हाइट इंक्रीज करने के लिए। जिन बच्चों की हाइट कम है वो ये आसन कर सकते हैं। और ये आसन है ताड़ आसन, बी, राइट। नेक्स्ट है, दिस योगा आसन इज मेंट फॉर स्ट्रेटनिंग आर लेग्स, स्ट्रेंथनिंग आर लेग्स। हमारी ये लेग्स को स्ट्रेंथ देता है, ठीक है। और ये कौन सा आसन है, डी, सेतुबंध आसन, राइट। आई होप आपको ये योगा वाला चैप्टर क्लियर हो गया होगा अच्छे से। कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप मैम को कॉल करके पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट चैप्टर हम 4th वाला कंटिन्यू रखेंगे। नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 4, अर्थ डे, आर एनवायरनमेंट, राइट। चिल्ड्रन, यू नो Why do we celebrate Earth Day? अभी recently Earth Day पे हम लोगों ने स्कूल में एक्टिविटी करवाई थी, आप लोगों को ड्राइंग कॉम्पिटिशन रखा था, आप लोगों ने सब ने बहुत सुंदर सुंदर पोस्टर्स बना के मैम को सेंड भी किए थे, राइट। तो why do we celebrate Earth Day? Earth Day is a day we learn about ways to protect the environment. Taking care of the earth is really very important. Just like our body. राइट, जैसे हम अपनी बॉडी की केयर करते हैं, जैसे एक्सरसाइज करके, हेल्दी फूड खा के, ये सब करके हम अपनी बॉडी की केयर करते हैं ना, उसी तरीके हमें अपने अर्थ की भी
केयर करनी चाहिए, राइट? अगर आज हम अपनी अर्थ को केयर करते, इन्वायरमेंट को हार्म नहीं पहुंचाते, ज़्यादा से ज़्यादा ट्री लगाते, तो एट प्रेजेंट सबसे बड़ी प्रॉब्लम चल रही है ऑक्सीजन प्रॉब्लम। आई थिंक वो ऑक्सीजन प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी इंक्रीज हो गई है कि हम लोग फॉरेस्ट और ये सब कट करते जा रहे हैं और बिल्डिंग्स, फैक्ट्रीज वगैरह इन्वायरमेंट को हार्म पहुंचा रहे हैं, और ऑक्सीजन लेवल इसीलिए हम लोगों का कम होता जाए क्योंकि फ्रेश एयर हमें बहुत कम मिल रही है। और एट प्रेजेंट ऑक्सीजन की तो वैसे ही बहुत कमी आ रही है क्योंकि ये COVID-19 बहुत पैनिक क्रिएट कर रहा है ऑक्सीजन के केस में, राइट? तो इसीलिए हमें अर्थ डे वाले दिन हमने आप लोगों को पोस्टर मेकिंग करके आपको अर्थ की इम्पॉर्टेंस बताई थी, इन्वायरमेंट की इम्पॉर्टेंस बताई थी। तो प्लीज़ आप लोगों को, अभी आप लोगों का सॉर्ट ऑफ स्कूल नहीं आ रहे हो, जो भी टाइम मिले आपको उस पर प्लीज़ अपने पेरेंट्स के साथ प्लांट्स लगाइए और प्लांट्स की टेक केयर करिए। ओके, लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे आपको सर्कल में ये एक्टिविटीज़ करते हुए सब नज़र आ रहे हैं। अब हमें इन एक्टिविटीज़ को फाइंड आउट करते हैं कि ये क्या एक्टिविटीज़ है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, इट हेल्प इन डिक्रीजिंग नॉन बायोडिग्रेबल पॉल्यूशन पॉल्यूटेंट, राइट? इन सब के यूज़ करने से हम नॉन बायोडिग्रेबल पॉल्यूटेंट, जिससे बहुत हार्म पहुँचता है इन्वायरमेंट को, इसके थ्रू हम जैसे पेपर बैग्स और क्लोथ बैग्स वगैरह यूज़ करके, हम लोग नो प्लास्टिक यूज़ करके, जैसे इसका आंसर है अवॉइडिंग द यूज़ ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक का यूज़ ना करके हम पेपर बैग, क्लोथ्स बैग्स वगैरह का यूज़ करें, इससे भी हम अपने एनवायरनमेंट को बहुत सेफ कर सकते हैं, क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेबल होते हैं जो प्लास्टिक वगैरह होते हैं, तो बहुत हार्मफुल पहुँचाते हैं हमारे एनवायरनमेंट को, राइट? सेकेंड क्वेश्चन, द मोर टाइम यू स्पेंड हेयर द मोर यू वॉन्ट टू सेव इट, राइट? इसका मतलब ये है कि आप जितना टाइम यहाँ पे, द मोर यू स्पेंड हेयर द मोर यू वॉन्ट टू सेव इट, मतलब हम इसमें जितना भी टाइम स्पेंड करेंगे उतना ही हम अपने इन्वायरमेंट को सेव कर पाएंगे। It means spending time in the lap of nature, environment की गोद में time बिताना, मतलब कि हमें trees, plants, इन सब के साथ environment, मतलब water को dirty नहीं करना है, pollution कम create करना है, जो हो सके, जैसे हमें थोड़ी सी दूर market पे जाना है तो two wheeler का use नहीं करना, हम walk करें या फिर bicycle से चले जाएं, और नेचर को जितना हम टाइम देंगे नेचर उतना सेव होगा, मतलब कि हमें नेचर को सेव करना है, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना है, राइट? सॉरी, फर्स्ट का आंसर और सेकंड का आंसर हमने लिखा नहीं है, तो आप लोगों को अवॉइड द, फर्स्ट का आंसर है अवॉइड द यूज ऑफ प्लास्टिक, सेकंड का आंसर है स्पेंडिंग टाइम इन द लैप ऑफ नेचर, थर्ड क्वेश्चन है दिस हेल्प इन मेकिंग द अर्थ ग्रीन, इससे हमारी अर्थ ग्रीन होती है। अर्थ ग्रीन किससे होती है? प्लांटेशन से। जितने हम ट्री और प्लांट्स लगाएंगे उतनी हमारी अर्थ ग्रीन होती जाएगी और ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा, राइट? प्लांटिंग ट्रीज, राइट? थर्ड का आंसर है प्लांटिंग ट्रीज। इट हेल्प इन रीयूजिंग ओल्ड थिंग्स, मतलब कि ओल्ड थिंग्स को हम कैसे रीयूज़ करते हैं, जैसे हमारे कपड़े हैं, पुराने शूज़ वगैरह हैं, हम नीडी पर्सन को दे सके और उनका रीसाइक्लिंग हो जाती है कई थिंग्स की, जैसे पेपर्स वगैरह, न्यूज़पेपर्स वगैरह है, इन सब की रीसाइक्लिंग होती है, तो ये हमारी रीयूज़ हो जाती है ओल्ड थिंग्स। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? गिविंग ओल्ड थिंग्स टू द नीडी पर्सन्स, राइट? फोर्थ का आंसर है गिविंग ओल्ड थिंग्स टू द नीडी। ओके, कम टू द क्विज टाइम।
When do we celebrate Earth Day? Everyone knows on 22nd April. D, option D is right? Who has written the Earth Anthem? किसने लिखा था अर्थ एंथम? अभय कुमार ने, राइट? बी इज योर राइट आंसर, अभय कुमार. थर्ड क्वेश्चन, अर्थ डे इज कोऑर्डिनेट ग्लोबली बाय नेचुरली द अर्थ डे नेटवर्क. अर्थ डे नेटवर्क से ही हम अर्थ डे को ग्लोबली कनेक्ट कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट कर सकते हैं. तो ये कौन सा है? द अर्थ डे नेटवर्क, ऑप्शन ए राइट. ठीक है, हाउ कैन वी सेव इलेक्ट्रिसिटी? इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं, बाय स्विचिंग ऑफ लाइट्स एंड फैंस व्हेन नॉट नीडेड, बाय यूजिंग एलईडी इंस्टेड ऑफ नॉर्मल बल्ब्स एंड ट्यूब लाइट्स, बाय यूजिंग टेबल लैंप्स. बोथ डी है, बोथ ए एंड बी, राइट? बोथ ए एंड बी. हमें जब ज़रूरत नहीं है हमें तो लाइट फैंस ऑफ कर देने चाहिए, स्कूल में भी और घर में भी, राइट? और हमें 40 वॉट्स वगैरह के जो पहले बल्ब्स आते थे उनकी जगह हमें एलईडी बल्ब्स और ट्यूबलाइट्स यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि ये कम वॉट में ज़्यादा लाइट स्प्रेड करती है, राइट? तो ऑप्शन डी इज राइट. ओके, आई होप आप लोगों को सब क्लियर हो गया होगा. ओके, बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ.